क्या कर रहे हो? नहीं बेटे, नहीं ब्रश से गाड़ी साफ। गुड मॉर्निंग, सैटरडे हो गया, आज सुबह के 9 बजने वाले हैं। नोनी को मैंने धूप में बिठा दिया है, लेकिन वो एक जगह बैठता का है, तो आज हल्की सी धूप है, हल्के से बादल हैं, तो थोड़ी देर वो धूप में बैठ के खेल ले। तो उसके मैंने टॉयज भी वहीं पे दे दिए। और आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, कल मंगवाई थी मैंने हस्बैंड से, हमारे घर में मैक्रोनी नहीं थी तो कल ही मंगवाई है मैंने। तो मटर वाली मैक्रोनी बनाएंगे। नोनी के लिए मैंने साबूदाने की खीर बनाई है, और कल मैंने मटर पनीर बनाया था शाम को, तो वही लेफ्ट ओवर है, वो भी हम खा लेंगे। मसाला प्रिपेयर हो ही गया है, मटर भी हो गई है, तो उसमें मैक्रोनी ऐड कर देती हूँ। इसके बाद बनाती हूँ मैं चाय, और मिस्टर राउत को फिर जाना है ऑफ़िस, लेकिन वो अपना टिफ़िन जो है ना ऑफ़िस में भूल के आए हुए थे उस दिन जब यहाँ वो ऑफ़िस गए थे। उसके बाद तो फिर 4-5 दिन तक तो वो छत्तीसगढ़ गए थे, तो तब से उनका टिफ़िन ना वहीं पे है, तो आज टिफ़िन नहीं ले जा सकते, और कुछ है भी नहीं मेरे पास ऑप्शन किस मैं दूँ खाना पैक करके, तो आज वो टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, और लंच में दोपहर में हमारे लिए बनाऊँगी। और अभी करीबन सुबह के 11 बज गए हैं। अब जाके मैंने घर के सारे काम निपटाए, यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, ये सूखे हुए कपड़े हैं, इनको मुझे फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन करूँगी, जो कि सर्दियों में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हाथ पैर बहुत ड्राई हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है ना, तो इस वजह से कुछ ना कुछ बॉडी लोशन या फिर क्रीम, कोल्ड क्रीम वगैरह लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं बोरोलिन लगा लेती हूँ और मोटे वाले सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि अंदर थोड़ा बहुत ठंडा तो होने ही लगा है। अभी 12 बज गए हैं और सारे काम अभी हुए हैं मेरे फिनिश, क्योंकि छोटे मोटे इतने सारे क्लीनिंग से रिलेटेड काम हो जाते हैं ना, करते रह जाओ, बस करते रह जाओ। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, लेकिन अब मुझे लंच बनाना है, और हस्बैंड आज बिना टिफ़िन के ही गए हैं, क्योंकि टिफ़िन था ही नहीं, तो मैं किस में देती खाना पैक करके। इन कपड़ों को आप इग्नोर करना, ये कल के सूखे हुए कपड़े हैं, अभी मैं फोल्ड करूँगी इनको। थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, तो मैंने ना मतलब अंदर उतना ठंडा नहीं होता है, लेकिन मैं सॉक्स पहन लेती हूँ बोरोलिन लगा के या बोरो प्लस लगा के, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा आता है, तो मैं हाथ पैरों में यही लगाती हूँ रात को सोते टाइम भी, और दिन में भी मैं नहाने के बाद पैरों में लगा लेती हूँ, उसके बाद सॉक्स पहन लेती हूँ। क्या होता है ना अंदर, एक तो मैं स्लीपर्स नहीं पहनती हूँ आजकल यहाँ, तो पैर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी विट्टी लग जाती है, फिर बहुत बुरी तरह फट जाते हैं पैर। तो यहाँ तो फिर भी हाथ पैर उतने ख़राब नहीं होते, क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, हमारे पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड है, थोड़ा सा भी आप ठंडे पानी का काम कर लो या फिर कुछ भी साबुन वाबुन का काम करो ना, तो फिर हाथ बहुत बुरी तरह फट जाते हैं, पैर भी फट जाते हैं, बहुत बुरी तरह फट गए थे घर पे जाके मेरे हाथ पैर, यहाँ उतने ख़राब नहीं है, फिर भी ठीक है, लेकिन घर पे इतने ख़राब हो गए थे ना, यहाँ ठीक है, मैं बोरोलिन लगाते रहती हूँ, केयर करते रहती हूँ, वहाँ तो फिर टाइम भी नहीं मिल पाता था ना इन सब चीज़ों का। तो चलिए अब मैं लंच बनाती हूँ और व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ, और मेरे पास ये बास्केट है, इसको पहले मैं किचन में यूज़ करती थी जब हम देहरादून में थे, लेकिन अब वहाँ पे स्पेस नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं है इस बास्केट की, तो इसको मैंने यहाँ वार्डरोब में रख दिया, और नोनी का छोटा मोटा सामान और अपनी फेस क्रीम वगैरह इसमें रखती हूँ, ऑयल वगैरह, तो ये काफ़ी यूज़ होता है। तो बस इसको वॉश किया था मैंने, बहुत गंदा हो रहा था, पेपर बिछा के सारी चीज़ें मैंने दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर ली, और विद इन 10 मिनट मैंने ये शेल्फ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली है, और मेरा एक काम और हल्का हो गया है। मैंने लंच भी बहुत जल्दी बना लिया है, आओ बेटा आप हाय यहाँ से बोलो, मॉर्निंग बोल रहा सबको हाय। तो बेटा क्या क्रीम व्रीम लगा ली आपने, मम्मा की क्रीम इसको हाथ में लग गई, पूरे फेस में लगा ली इसने, नेक में भी लगाई है, और आज मैंने ये इसको 2 दिन पहले मैंने वॉश किया था, अब जाके सूखा है और कितना प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा, मैंने मतलब बहुत सालों के बाद इसको वॉश किया है, बीच में वॉश ही नहीं कर पाई थी। नोनी फ़ैन बंद करो बेटा, तो कितना सुंदर लग रहा है ना साफ़ करने के बाद। तो अब यहाँ से थोड़ा सा फट रहा है, नोनी इसमें से कॉटन निकालता रहता है, जो भी इसके अंदर मटेरियल है निकालता रहता है, ये मुझे सिलना है, और उसके बाद जो है मुझे हमारे जो वुलन कपड़े हैं ना, बहुत सारे कपड़े ऐसे हो गए हैं जो रोएं लग लग के ख़राब हो गए, तो पिछले साल जब नोनी हुआ था उस टाइम पे ये मंगवाया था हमने रोएं निकालने के लिए, लेंट रिमूवर, तो कल भी काफ़ी सारे कपड़ों में से हमने निकाला, काफ़ी अच्छी काम की मशीन है ये, तो आज भी मुझे एक दो स्वेटर्स वगैरह में से निकालना है, इसको मैं रखती हूँ और इसको पहले एक बार सिल लेती हूँ ना, क्योंकि ये काम रह जाता है। फिर हमारे बहुत सारे वुलन कपड़े ऐसे थे जिसमें रोएं लगे हुए थे, और ये मशीन पहले मुझे लग रहा था ख़राब हो गई है, लेकिन ये
हस्बैंड ने चेक किया तो एकदम ठीक थी, और ये बहुत अच्छे से काम करती है। जितने भी पुराने स्वेटर है, जितने भी ख़राब कपड़े हैं, रोए लगे हुए, सब बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए इसने, और नए की तरह दिख रहे थे। ये स्वेटर मैंने कुछ टाइम पहले ही लिया है जब मैं घर गई थी, लेकिन ट्रेन में इसी को पहन के मैं सो गई होटल वगैरह में, तो फिर इसमें भी रोए लग गए थे, तो एकदम नया हो गया था ये। नेक्स्ट शाम के 5:30 बज गए हैं, यहाँ पे मैंने व्लॉग लगाया है टीवी में, और नोनी को व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। मैं बना रही हूँ गोभी, मटर और गाजर मिक्स वेज, और ये मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। नोनी के लिए अभी मैं एग बनाऊँगी। और हम लोग गए थे नियर बाय शॉप में, सब्ज़ी की शॉप में, वहाँ से मैं लेके आई हूँ 1/2 किलो गाजर। इस सीज़न में एक बार भी ना गाजर का हलवा नहीं बनाया है, तो घर से आने के बाद मैंने सोचा कुछ मीठा भी नहीं खाया, खीर हलवा कुछ भी नहीं बनाया, तो मैं सोचा आज बनाते हैं गाजर का हलवा। तो सबसे पहले ना चाय पीने का मन हो रहा है, उसके साथ मैंने ये बढ़िया सी खट्टी मीठी नमकीन, ये वाली अच्छी हो रही है, स्पाइसी वाली ना मत खाई नहीं जाती, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत मिर्च हो जाती है उसमें। तो चलिए चाय बन गई, पहले चाय पीती हूँ फिर मैं और काम करूँगी। थोड़ी देर नोनी को नीचे पार्क में घुमा के भी आ गई हूँ बच्चों के साथ, थोड़ा झूला वूला झूल लिया, उसके बाद आ गया नोनी। जब से यहाँ आया ना पता नहीं उसका क्या रिएक्शन रहता है लोगों को देख के, मतलब बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाता है और नर्वस हो जाता है यहाँ लोगों को देख के, पता नहीं उसे ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो उतना नहीं करता था, लेकिन आजकल जब भी ऐसा होता है ना, मतलब नए लोगों को देख के या किसी को भी, मतलब जिनको मैं पहले से भी जानती थी यहाँ, उनके पास भी जाओ, कोई भी अदर पर्सन, उसको देख के नोनी ऐसे कर लेता है, और वो इतनी शर्म आ जाती है, पता नहीं क्यों डरता है, नर्वस होता है या शाय होता है। तो मुझे लगता है यहाँ आके थोड़ा सा अंदर बंद रूम में रह रहे के ना थोड़ी सी हैबिट उसकी वो हो गई है, उसी तरह की हैबिट हो गई है, या फिर वहाँ के माहौल से एकदम यहाँ के माहौल में आए तो उसको एकदम नया चेंज अजीब सा लग रहा होगा, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। तो बच्चों को फ्रेंडली माहौल मिलना बहुत ज़रूरी है। वहाँ तो एकदम ठीक हो गया था नोनी, सबके पास जाता था, फ्रेंडली रहता था, आराम से खेलता भी था। तो यहाँ पे मैं गाजर के हलवे की तैयारी करूँगी, और यहाँ पे नोनी खेलते खेलते स्टूल पे चढ़ गया, और उसके साथ ये स्टूल रखना ना बहुत रिस्की रहता है। मैंने कुछ दिन ये वॉशरूम में रखा था, लेकिन अभी किचन में बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने यहीं पे रख दिया था, और आप देख भी सकते हैं इसका ट्रेलर, वो स्टूल के ऊपर चढ़ के कुक टॉप पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और उसके ऊपर चढ़ के ना फिर वो ऊपर वार्डरोब खोलता है, उसमें कुछ खाने पीने का अगर उसे कुछ मिल जाए तो। मीनवाइल मैंने उसको बिठा दिया था हॉल में फिर से, और मैं यहाँ पे गाजर पील करूँगी, और उसके बाद बनाते हैं गाजर का हलवा। लेकिन सबसे पहला टास्क होता है गाजर को कद्दूकस करो। वैसे तो आप चाहो छोटा छोटा कट करके उसको कुकर में बॉईल करके भी बना सकते हो, इस तरह से भी मैंने बनाया है, लेकिन गाजर का हलवा ग्रेट करके ही बनाने में मज़ा आता है। पहले उसको अच्छे से कद्दूकस करो, तो उस तरह से ना हलवे का बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ एकदम प्रॉपर इसी तरीके से बनाती हूँ। तो गाजर मैंने कद्दूकस कर ली थी, मीनवाइल यहाँ पे मैं सबसे पहले घी गरम कर लूँगी, और गाजर को ना कुछ मिनट के लिए मैं भून लूँगी अच्छे से, करीबन 5-7 मिनट के लिए, तो उससे हलवा बहुत अच्छा बनता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा पानी आ गया था आरओ वाला 25 लीटर की, तो आजकल ना हम लोग यही वाला पानी पीते हैं, खाना बनाने के लिए भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ़िल्टर अभी तक सर्विस नहीं हो पाया है, और यहाँ पर बिल्डिंग में गाड़ी आती है जो कि 25 लीटर का कैन दे के जाते हैं, और सिर्फ 25 रुपये में एक कैन, तो एक कैन हमारा 8-10 दिन तो यूज़ हो ही जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं यही वाला ले लेते हैं फ़िल्टर सर्विस का, फिर देख लेंगे बाद में करा जाएगा अब, क्योंकि आजकल टाइम भी नहीं है, बहुत बिजी चल रहे हैं, हस्बैंड को भी टाइम नहीं है। गाजर मैंने, हाँ बेटा रुक जाओ, गाजर मैंने कद्दूकस कर ली थी, और ना 2 गाजर ऐसे रह गई, क्योंकि कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, पेन भी हो रहा था हाथ में, तो ये भी काफ़ी सारा गाजर है, तो घी थोड़ा सा गर्म करके करने के लिए रखा है। चलिए मैं अब मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा। थोड़ा सा घी डाल के आप पहले गाजर को फ्राई कर लो ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हलवे में। तो चलिए बनाते हैं सीज़न का पहला गाजर का हलवा। नोनी के लिए मैं बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया, तो उसमें ऐड करूँगी मटर, ये दलिया निकाल दिया है, सब्जियाँ चॉप कर दी हैं मैंने, और मैं दिखाती हूँ नोनी क्या कर रहा है हमारा। नोनी को मैंने ना मटर दिए हुए हैं छीलने के लिए, तो ये बहुत मज़े से बहुत आराम से ना मटर पील करता है, और ये देखो कितना बिजी है ये, इसको 1 घंटा भी बैठा दो ना यहाँ पे मटर के साथ, आराम से सारे पील कर लेगा। और मैंने काफ़ी सारे मटर दिए थे,
सब फिनिश कर दिए। वेरी गुड बेटा। तो नोनी मेरी इतनी हेल्प करता है। देखो मटर छिलके इसमें रख रहा है और मटर इसमें, ये देखो। वाह गुड बेटा, नोनी काफ़ी हेल्पिंग बेबी हो गया आजकल। नोनी क्या कर रहे हो? ओ एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए नोनी का, है ना? एक ये रहा, एक ये रहा। ओ थैंक यू। करीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने गाजर को अच्छे से भुना था और जब तक उसका पानी सूख नहीं गया तब तक उसको मैंने पकाया था एकदम लो मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। नोनी अपनी कार पार्क करने गया है, मैं दिखाती हूँ। ये नोनी आपने क्या पहने? न्यू शूज़ खुद ही निकाले हैं इसने। नए शूज़ निकालने के चक्कर में इसने जो एक्स्ट्रा शूज़ सैंडल थे सब निकाल के फेंक दिए। तो नोनी तो बिज़ी है और मैंने यहाँ पे दलिया बना दिया है, सब्ज़ी बन गई है, आटा भी गूंथ दिया है और हलवा भी ऑलमोस्ट बन ही गया है। तो इसमें मैंने शुगर भी ऐड कर दिया, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं, बस ये ऑलमोस्ट बन गया। एक दो मिनट और पकाती हूँ। और सबसे लास्ट में जब ये बहुत अच्छे से पक जाता है ना तो इसका कलर जो है ऑटोमेटिकली रेड रेड होने लगता है, तो ये कलर बहुत प्यारा लगता है। और गाजर के हलवे की यही खासियत होती है। खाएगा नोनी? दवाई नहीं बेटा, आओ स्पेशल चीज है आपके लिए। मिस्टर रावत ये लो गाजर का हलवा। कौन खाएगा? केकू नहीं है बेटा, क्या है ये बताओ? क्या नोनी को खिलाओ भाई सबसे पहले। सबसे पहले तो पापा ही खा गए बेटा, मैंने भी टेस्ट नहीं किया अभी तक। कैसा हो रहा है? कैसा कैसा हुआ नोनी? कैसा हुआ? अच्छा आप बताओ। वेरी नाइस नोनी के पापा। वेरी गुड। मजा आया सीजन में पहला गाजर का हलवा? नोनी गुड मॉर्निंग। तो नोनी यहाँ पे ब्रश कर रहा है। नोनी का नया टूथब्रश आया है एक्चुअली, तो उसको देख देख के। और नया पेस्ट भी आया है, ये है नया टूथपेस्ट नोनी का। हमने जो नोनी की कार ली थी ना वो वाली उस दिन, तो उसके साथ में फ्री सैंपल मिला था लव लैब का बेबी डेंटल टूथपेस्ट। तो आई थिंक इसका टेस्ट अच्छा है तो नोनी कर रहा है, नहीं तो ना नोनी ना करता ही नहीं था बिल्कुल भी। उसका एक टूथब्रश वैसे वेस्ट हो गया, उसने गंदा कर दिया था वो। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बज गए हैं, आज संडे हो गया है। और आज जो है ना टाइटल आपने देख लिया होगा, तो फाइनली नोनी के लिए बर्थडे शूट हम लोग करने जा रहे हैं। उसका फोटोग्राफर फाइनल हो गया है, काफ़ी दिन से हम पता कर रहे थे, बहुत जगह हमने प्राइस भी पता किए। तो हमारे घर के पास में एक फ़ोटोग्राफर है तो उसी के साथ फाइनल हुआ है। और उसने अभी लोकेशन नहीं बताई है, उसने कल बोला था कि सुबह 10 बजे आप रेडी रहना और लोकेशन मैं मॉर्निंग में ही बताऊँगा आपको। तो पता नहीं किस जगह पर करेंगे फ़ोटोशूट। तो नोनी का बर्थडे फ़ोटोशूट और सेकेंड बर्थडे फ़ोटोशूट, फर्स्ट बर्थडे करते हैं सब लोग लेकिन फर्स्ट बर्थडे वाला हो नहीं पाया था, तो इसलिए अब सेकेंड बर्थडे फ़ोटोशूट। कपड़े रेडी हैं, उसके प्रॉप्स वगैरह हमें बनाने की कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेंगे मैनेज। तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, 10 बजे हमें निकलना भी है यहाँ से। मैंने नहा लिया है, नोनी और उसके पापा को नहाना है और नाश्ता बनाना है। मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है और वो पराठे बनाने हैं। नोनी के लिए मुझे दलिया भी बनाना है, ये कल अभी दूध आ गया ये भी रखती हूँ मैं बॉइल करने के लिए। तो चलिए बहुत सारे काम है और आई एम सुपर एक्साइटेड कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली आज फ़ोटोशूट करवाने के लिए। तो करीबन 10 बजे के आसपास का हमारा शेड्यूल हुआ था कि हम 10 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने की मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे। और नोनी को उसके पापा देख रहे हैं, साथ ही साथ घर के कुछ कामों में मेरी हेल्प भी कर रहे हैं क्योंकि जल्दी से हमें निकलना था। और संडे को ऐसा रहता ना, हमें पता नहीं था कौन सी लोकेशन पे जाना है, तो यही लग रहा था कहीं दूर जाना होगा और संडे का दिन है तो फिर कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाए, इसीलिए सब जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो मीनवाइल नोनी के लिए मैंने दलिया चढ़ा दिया था और मैं यहाँ पे बनाऊँगी गरम गरम पराठे। और नाश्ता बना दिया था, इसके बाद मैंने मॉप लगा दिया था पूरे घर में, तो यहाँ पे दरियाँ बिछाऊंगी
नोनी के पापा ने नोनी को नहला दिया था। और इस टाइम पे तो यहाँ पे अंदर काफ़ी अच्छी धूप रहती है, करीबन 7:30 बजे आ जाती है और 9-10 बजे तक अंदर बहुत अच्छी धूप रहती है, तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नोनी को मैं यहीं पे बिठा के ऑयल लगा लूँगी और मैंने सारे काम कर लिए जल्दी जल्दी, तो किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन किचन और कुकटॉप क्लीन कर दिया। ये मैंने राजमा रखे हैं बॉईल करने के लिए, ये मैंने ना परसों भिगाए थे और कल मैंने सोचा हस्बैंड को टिफ़िन में दूंगी, लेकिन वो टिफ़िन ऑफिस में ही भूला है, उस दिन से रखा हुआ था ऑफिस में, तो इसीलिए मैं बना नहीं पाई कल और आज बना रही हूँ। बॉईल करके जाती हूँ, तड़का वहाँ से आके लगाऊंगी, ताकि वहाँ से आने के बाद ना जल्दी जल्दी खाना बन जाए, भूख लग जाती है अदरवाइज़। और डेली डेली बाहर का ही खाना भी अच्छा नहीं लगता, घर का खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। राजमा खाने का बड़ा मन हो रहा था बहुत दिन से, तो आज मैं इसको बॉईल करके फिर जाऊँगी। अब हम लोग रेडी होते हैं, सारे सामान वामान सब मैंने रेडी कर दिया, एक बैग रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, दिया बत्ती हस्बैंड ने कर दी थी मंदिर में, और ये वाला बैग जो है इसमें मैंने नोनी के डायपर, कुछ फ्रूट्स, पानी की बोतल वो रख लिए है ना। ये सिंपल सा जीन्स और स्वेटर ही पहन लिया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो नोनी को तो मैं वही बना रही हूँ, नोनी का बर्थडे ड्रेस, ये बहुत प्यारा सा है। इसके अंदर मैं एक थर्मल पहना दूंगी और ठीक रहेगा क्योंकि बाहर जाके वैसे भी गर्मी होती है, मुझे पता है मेरे को स्वेटर में गर्मी लगने वाली है, तो नोनी को मैं अभी स्वेटर नहीं पहना रही, सिर्फ ये और इसके अंदर एक थर्मल। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं, 10:15 हो गया, लेकिन अभी उसका कॉल ही नहीं आया कैमरामैन का, और कपड़े किस तरह से पहन रहे हैं ये देखो। नोनी बन गया जेंटलमैन और इसने ये कपड़े पहनने के लिए इतना महाभारत किया है ना, पहले तो ये इतना रोता रहा कि मुझे पहनने ही नहीं है, उतारो, बड़ी मुश्किल से इसके पापा ने पहनाए हैं इसको कपड़े। नोनी दिखा, कैप भी है इसके साथ में, प्यारी सी कैप, हाँ एक बो टाई भी तो है। नोनी कहा लुक यार, तो मैं आप सबको एक फोटो दिखाती हूँ नोनी की जो मैंने अभी क्लिक की है, ये देखो नोनी के कुछ पिक्चर्स मैंने भी ले ली है। चलो तो हम लोग आ गए हैं लोकेशन पे और पार्क है ये, कोई तैयार है हमारा और नोनी की मम्मा भी तैयार है। हाँ बेटा, यहाँ पे एक्चुअली किसी की शादी वादी हो रही है ना, तो क्रैकर्स जल रहे हैं, तो उसकी वजह से नोनी थोड़ा सा डर रहा है। और नोनी ना एक जोड़ी कपड़े और लाने हैं, कैमरामैन जो है ना वो उन्होंने बोला कि मतलब एक ही जोड़ी कपड़ों में फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं आएगी, मतलब थोड़ा बदल बदल के लेंगे। तो नोनी के पापा फिर से गए हैं कपड़े लेने के लिए, मैंने उनको बोला था एक कपड़े और ले लेते हैं। तो अभी मिस्टर रावत ना गए हैं घर नोनी के कपड़े लेने के लिए, नोनी के टॉयज लेने के लिए, साथ में कैमरामैन भैया भी चले गए क्योंकि रास्ते में ना बहुत ट्रैफिक हो रहा है, जिस रास्ते से हम आए थे तो दूसरा रास्ता बता के ले जाएंगे घर, क्योंकि बहुत यहाँ हमें यहाँ का तो पता नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर गार्डन में आए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, एक पार्क है, मतलब छोटा सा गार्डन है। तो नोनी को मुझे संभाल के देखना है, उनका बैग भी यहीं पर रखा हुआ है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, मतलब टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक है, आज संडे है। वेरी गुड, अब इधर जाओ जाओ जाओ, यहाँ लेके आओ बेटा, यहाँ लेके आओ। बॉल खेली बोलना पापा, ओ नोने की कार भी लेके आ गए नोने के पापा फाइनली हियर उधर। तो नोनी को दूसरा ड्रेस पहना दिया हमने, इसका बर्थडे वाला, फर्स्ट बर्थडे वाला। आओ कम,
दोपहर के 1 बज गए हैं और हम लोग वहाँ से आधा घंटा पहले ही आ गए थे। 12:30 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे हैं और अब मैं खाने की तैयारी करती हूँ। वहाँ से हम लोग बाहर से ना डेयरी से दही लेके आए, तो आज मैं खीरे का रायता बनाती हूँ। हस्बैंड खीरा कद्दूकस कर रहे हैं और राजमा तो बॉईल है ही, राजमा का तड़का लगाती हूँ, चावल भिगोती हूँ, राजमा चावल बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया सा संडे स्पेशल लंच बनाते हैं। तो शूट हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। उन्होंने की फ़ोटोज लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इधर से उधर भाग रहा था, फेस अलग अलग के तरह के बना था। बच्चों का फ़ोटो शूट करना बहुत मुश्किल रहता है, टाइम टेकिंग रहता है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र जो थे ना वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनकी फ़ोटोज़ क्लिक की। एक दो हमारी फैमिली पिक्चर भी फ़ोटो क्लिक की है हमारी, वो भी मैं दिखाऊंगी जब भी बन के आएंगी तो शेयर करूंगी। और बहुत अच्छा रहा पहला एक्सपीरियंस, फाइनली उन्होंने का बर्थडे शूट हो गया है। तो चलिए फटाफट से लंच बनाना शुरू करते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। राजमा का मसाला एक तरफ मैंने रख दिया है बनाने के लिए, दूसरी तरफ दही फेंट लूँगी और हम बनाएंगे पहाड़ी रायता। घर से आने के बाद पहली बारी मैं बना रही हूँ आज। तो राजमा बहुत अच्छे से गले हुए थे और काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन के इसकी तैयार हुई थी। तो सबसे लास्ट में बढ़िया से राजमा चावल आपको दिखा देती हूँ। रायता दिखाना भूल गई थी, तो काफ़ी टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सा लंच रहा आज हमारा। के बज गए हैं 5:05 एकदम रोशनी है, लेकिन क्या होता है ना यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चलती है शाम के टाइम पर, तो बाहर निकलो तो हल्की ठंडक से रहते हैं। तो ये ग्लास डोर मैं बंद ही करके रखती हूँ, ग्लास डोर बंद करके बैठना अच्छा लगता है, नहीं तो फिर हवा आती है। और चलते हैं किचन में, मैं धीरे धीरे बात इसलिए कर रही हूँ, नोनी और उसके पापा सोए हुए हैं और ये नोनी के लिए सूजी रोस्ट कर रही हूँ मैं, उसके लिए सूजी का हलवा बनाऊँगी। राजमा काफ़ी सारे बचे हुए हैं लंच में लेफ्ट ओवर उसमें, तो इसलिए मैं सिंपल सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ और रायता भी है जो। तो नोनी तो सोया हुआ था, मीन वाइल मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी, चाय बन गई है और उन्होंने के पापा उठ गए थे, उनकी कॉल आ गई थी एक्चुअली। तो बस यहाँ पे हम लोग साथ में बैठ के चाय स्नैक्स लेंगे। मुझे चाय के साथ में नमकीन या फिर चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पसंद आती है, लेकिन मिस्टर रावत ज़्यादातर ये खाते हैं मटरी। मैंने काफ़ी बार पहले भी बताया आप लोगों को, तो पूरा भरा हुआ डब्बा था, आधा सब इन्होंने ही खा लिया है, इनको चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ना 6:30 बज गए हैं और नोनी और उसके पापा नीचे गए हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा वॉक करने के लिए। मैं भी गई थी लेकिन अभी आ गई, मुझे काम करना है। सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर लिया और ये जो कपड़े फैले हुए हैं इनको मैं समेटती हूँ। और उसके अलावा नोनी का मैं डायपर लेके गई थी वहाँ, लेकिन वो डायपर आजकल उसको हैबिट नहीं है तो वो डायपर में कुछ करता ही नहीं है, मतलब उसका डायपर एकदम खाली था, बहुत ही हल्का। और उसने फिर घर पर आके मैंने उसको डायपर खोल के फिर पी कराई, तो उसकी अब डायपर की हैबिट ही नहीं रही इस तरह से। तो अभी जो है मैं कपड़े संभालती हूँ और ये वाली बेडशीट जो है ना उतना मज़ा नहीं आ रहा है ये वाले कुशन के साथ। कमेंट भी आया था ये बेडशीट चेंज कर लेना, अच्छी नहीं लग रही है। तो अभी ये ना गर्म वाली बेडशीट मेरे पास एक ही है इस वाले बेड के साइज़ की, तो गर्म वाली कुछ दिन में मैं कॉटन वाली बिछा लूँगी वापस। सवा 9 बज रहे हैं और सारे काम मैंने कर लिए, हमारा डिनर भी हो गया है, किचन भी क्लीन हो गया है। आज हम लोग दूध नहीं पी रहे, नोनी को दे दिया गर्म करके। कल हमने गाजर का हलवा बनाया था ना, वही एक्स्ट्रा रखा हुआ था, वही हमने गर्म करके खा लिया। और मिस्टर रावत को देखो, ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हैं, अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। आज हमने ना एक रजाई निकाल ली है मोटी वाली, उतनी मोटी वाली नहीं है, मतलब उसमें गर्म खोल चढ़ा के वो वाली रजाई ओढ़ेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के बाद ना थोड़ी सी ठंड लगती है ब्लैंकेट में, फिर उस टाइम पे लगता है कि एक ब्लैंकेट और होना चाहिए था। तो इसीलिए आज हमने एक रजाई निकाली है, वो उस वाले बेड में रखी थी छोटे वाले में, तो फिर मैंने वो सोचा वही निकाल लेते हैं, कोई ओढ़ लेंगे, ब्लैंकेट नहीं ओढ़ेंगे, इतनी सर्दी नहीं है यहाँ पे। बीडीओ, अच्छा बीडीओ कह रहा है यार, बीडीओ क्या बना रही मम्मा? आज आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? स्कूटी। और आपने क्या किया था वहाँ पे? फोटो। आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आज संडे का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा सा लंच भी हो गया, आउटिंग भी हो गई, नोनी का फोटोशूट भी हो गया। तो चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।